NA89 और NA122 की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की आईनी दरखास्तें तैयार हैं। NA89 की सर्टिफाइड कॉपीज अभी तक मौसूल नहीं हुई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज ही दायर करके गुजारिश की जाएगी कि दरखास्तें आज ही मुकर्रर कर दी जाए। आपको पता है कि दोनों केसेस में इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर बदनीति की बुनियाद पर रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना में जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसका इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन को और ना ही सेशन जज साहब ने इमरान खान साहब को नाअहल किया। दूसरा जो अहम इशू है वो नवाज शरीफ की तहयात नाली वाला मामला है, उसमें सेक्शन 232 में तरमीम की गई थी और 62(1)(f) के तहत नाली को 5 साल तक मुहित किया गया था। पार्लियामान सादा अक्सरियत से आइन में तरमीम नहीं कर सकती है। सेक्शन 232 अहलियत को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तरमीम करनी है तो आईनी तरमीम हो और सेक्शन 235 जो है ये आईन के आर्टिकल 17, आर्टिकल 62 और 63 और इस्लामी दफात के मुतसादब है। एक आदमी जो झूठा है, खाइन है, वो जब तक माफी नहीं मांगता, जब तक उसकी इबारत में ख्यानत नहीं खत्म होती, जब तक सच्चा साबित नहीं होता और सच्चा अदालतों ने साबित करना है, तब तक वो नाहल है। इसीलिए नवाज शरीफ का हयात नाहल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं नहीं समझता इस पर असर होगा। लाहौर हाईकोर्ट से गुजारिश की गई है कि सेक्शन 232 को गैर कानूनी और गैर आईनी डिक्लेयर किया जाए।